एक बंदे ने मुझे पूछा कि आप नोएडा से आ रहे हैं, मैंने बोला हाँ जी, तो मतलब नोएडा से गोवा बाई रोड इट्स ए भाई साहब, तीन चार दुकान ढूंढने के बाद ये मिला है। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन में है यार, वेरी नाइस प्लेस, और रास्ते के पूरे बीचों बीच में। Hey guys, good morning and welcome back to the channel and I hope all of you are doing absolutely fine. So, आज यार गोवा में आपका दिन देखो, आज थोड़ा अच्छा दिन हुआ है। अभी जस्ट हम लोग नींद से उठे हैं और आज का दिन हमने देखा कि काफ़ी अच्छा है, मतलब उतना बारिश नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा धूप निकला हो, धूप भी थोड़ा थोड़ा सनशाइन सनलाइट दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आज धूप भी आएगी। तो हम लोग अभी उठ गए हैं सुबह सुबह, और उठ के मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से पहले थोड़ा बात करते हैं और इसके बाद फिर दिन का शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का ऑलमोस्ट बज गया है, शायद 7:30-8 बज गए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये जो हमने रिजॉर्ट लिया है, यहाँ पे कुछ शायद काम चल रहा है, तो इनका जो ब्रेकफास्ट का जो एरिया है वो अभी बंद है। मतलब अभी इसमें कुछ काम चालू है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में जनवरी में इनका पीक टाइम रहता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फंक्शनल नाउ। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि बाहर आप कर सकते हो, बहुत सारी जगह है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वहीं पर आप कर लेना। तो अभी हम लोग देखते हैं, घर पे ही हमने गैस और ये सब हम लेके आए थे, तो हमने सोचा कि चलो मैगी और एग खुद ही बनाते घर पे और फिर निकलते एक साथ, और फिर जाके आज कोई बढ़िया जगह में जैसे कल हमने किया था आज भी लंच करेंगे और फिर घूमेंगे पूरा जितना हो सके। तो ये हमारा बन रहा है बॉइल्ड एग और इसके बाद बनेगा मैगी। तो ये जो गैस है ना यार, ये तो काफ़ी काम का चीज़ है, तो अभी हमने ये ले लिया है और कहीं पे भी हम जाते हैं तो इसको कैरी करते हैं, तो जो जो का खाना भी इसमें बन जाता है और हमारा भी मैगी बॉयल्ड अंडा ये सब बन जाता है। तो आगने अगर आपने हमारा बद्रीनाथ वाला सीरीज़ देखा था, तो जहाँ पे हम नीति वैली जा रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने ऐसे ही रास्ते में रुक के मैगी और ये सब बनाया था, चाय वगैरह पिया था, तो इट्स वेरी यूज़फुल। अगर आप भी कहीं पे जाते हो लॉन्ग टूर में तो ये ख़रीद लेना, ये बहुत अच्छा रहता है। इसे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स फॉर योर यूज़फुलनेस, आप इसको ख़रीद सकते हो। हाय गाइस, तो ये हमने अपना मैगी बनाना चालू कर लिया है और हम लोग सब मिलके एक साथ खाएंगे। ये सब लोग वेट कर रहे हैं मैगी का, देखिए सबके चेहरे देखिए। तो देखिए हमारा मैगी और बॉयल्ड एग दोनों हो गए रेडी, हमने सब कुछ बना लिया यहाँ पे, और अभी पूल साइड में बैठ के एकदम बढ़िया से इसको ब्रेकफास्ट की तरह एंजॉय करके हुए खाएंगे। तो ये मैं बैठा हूँ और ये देखिए व्हाट ए व्यू। तो गाइज अभी हम लोग लंच करने आए हैं, यहाँ पे एक फेमस शो रेस्टोरेंट है साई प्रसादम बोल के। और एक चीज़ है गाइज, यहाँ पे ना यूपी 16 देखने से सब लोग एक बार घूम के देखते ज़रूर है कि भाई इतना दूर से कौन आ गया यहाँ पे यूपी 16 नोएडा। अभी मैं जा रहा था यहाँ पे गाड़ी से, तो एक बंदे ने मुझे पूछा कि आप नोएडा से आ रहे हैं, मैंने बोला हाँ जी, मतलब नोएडा से गोवा बाई रोड इट्स ए ड्रीम गाइस। तो चलिए अभी चलते हैं उस रेस्टोरेंट में, क्या नाम है रेस्टोरेंट का, आई थिंक इट्स समथिंग कॉल्ड साई प्रसाद रेस्टोरेंट। ये सुनने से लगता है कि ये वेज रेस्टोरेंट है, लेकिन ये वेज नहीं है, इट्स ए प्योर गोवन डिशेस वाला रेस्टोरेंट है, जहाँ पे गोवन थाली वगैरह फिश सब कुछ मिलता है। तो वहीं पे जा रहे हैं, ये भी हमने ढूंढ के निकाला, मतलब गोवा में आके भी ना एक एक्सप्लोरेशन है आपका कि आप कितना ढूंढ के निकाल सकते हो। हर गली में आपको एक फेमस रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हर गली में आपको एक फेमस रिजॉर्ट मिल जाएगा, तो कौन सा रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट अच्छा है ये आपके सर्च और एक्सप्लोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुझे कल दिखा, एक फोर्ड एंडेवर दिखा जो कि HR 26 है, तो गुड़गांव से आ रहा है पूरा लोडेड, तो वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं ना, तो इसलिए एक दूसरे को ढूंढते हैं लोग कि कोई और मिल जाए। तो चलिए, तो ये रहा साई प्रसाद
वेज एंड नॉन वेज, पता नहीं खुला है कि नहीं, 4 बजे तक लिखा था, लास्ट बंद हो गया क्या? बंद हो गया भैया, खुला है। बहुत दूर से आ रहे हैं, मिल जाएगा। 5 मिनट बचा है, क्या बैठ जाए तो 5 मिनट के लिए हम लोगों को मिल गया। चलिए करते लंच, फिर देखते कैसा है। गाइस दिस इज आवर लंच, तो यहाँ पे हमने लंच लिया है। दिस इज अ थाली, ये भी थाली है, ये भी थाली है, और ये प्रॉन्स फ्राई, पॉम्फ्रेट फ्राई, अगेन प्रॉन्स फ्राई, दिस इज बॉम्बे डक फ्राई, और ये किंग फिश फ्राई है विद सम सलाद। सो इट्स एन अमेजिंग लंच। तो बहुत ढूंढने के बाद ये निकाला है, तो अभी टेस्ट करके फिर बताते हैं आप लोगों को कैसा है। चलिए गाइस टूट पड़ते हैं इसके ऊपर। और अभी जहाँ पे हमने लंच किया ना, दैट इज़ अमेजिंग। अगर आपके लंगूटे या केंडरलिम के आसपास हो तो ये जगह ट्राई करना बनता है, एक बार आके यहाँ पे जो गोवान डिशेस है और फिशेस है वो ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग। पेट्रोल अभी फिल कर लेते हैं इस पर पूरा, क्योंकि पेट्रोल अभी ऑलरेडी ई में आ गया है। पेट्रोल डालते हैं पहले। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, इस पर से कराते हैं फुल, क्योंकि अगर हम कल निकल जाते हैं यहाँ पे, कल या परसों, तो उस टाइम में भी चाहिए होगा, तो फिल करके एक साथ निकलते हैं। भैया पेट्रोल फुल कर देना। हाँ, सो यहाँ पर रेट है 97.85 और हमारे उधर है 96.8, 1 रुपये महंगा है। सो गाइज वी आर एन रूट टू अंजुना बीच, देखते हैं अंजुना बीच जाके एक बार घूम के आते हैं। अंजुना बीच भी बहुत फेमस है, अंजुना, बगट और नॉर्थ गोवा में ये भी फेमस बीचेस है, लेकिन मैक्सिमम लोग बागा में आ जाते हैं और केलांगुटे केंडोलिम तक ही रुकते हैं। हम लोग पहुंच गए अंजुना बीच के पार्किंग में। तो यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, कोई भी बीच में जाओ आप तो वहाँ पे पार्किंग मिल जाता है। तो ये अंजुना बीच का पार्किंग है, तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दिया है पार्किंग, और अभी यहाँ से बस 50-100 मीटर होगा बीच, तो वहाँ पे चलते हैं। वो बोलना तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं अंजुना बीच की तरफ। हाय, सो गाइस फाइनली वी आर इन अंजुना बीच एंड लुक एट दिस गाइस, लुक एट द व्यू, अनबिलीवेबल। और देखिए हाई टाइड के लिए कितना ऊपर तक पानी जा रहा है, कितना ऊपर तक। नॉर्मली बहुत नीचे रहता है पानी, लेकिन अभी सिंस तो मानसून का टाइम है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ तक पानी आ गया है भाई। तो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट विच इज़ वर्किंग एंड ओपन नाउ, तो बाकी वहाँ पे एक दो और दिख रहा है हमें। अमेजिंग गाइस, जस्ट सी, ओह माय गॉड, अल्टीमेट। प्लस ये जो है ना व्यू, दैट इज अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। बारिश आ गई है तो हमें अभी ऊपर जाना पड़ेगा।
अभी हम लोग यहाँ पे आ गए फेमस तिरामिसू ट्राई करने, जो गोवा का फेमस है। तो ये हमें एक शॉप मिल गया डोल्से अमोरे, अगर मिल जाता है तो तिरामिसू मिल तो जाएगा, दिख तो रहा है। तो हमें तिरामिसू तो यहाँ पे मिला नहीं, तो हम कहीं और जा रहे हैं तिरामिसू खाने। चलिए देखते हैं कहाँ और मिलता है तिरामिसू, फिर वहीं पे जाके ढूंढते हैं। तो गोवा में आके अगर थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया आपने तो क्या किया। तो हम सोच रहे थे यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं हमें। लेट्स सी सम अदर प्लेस। लेकिन आज तिरामिसू खा के ही जाएंगे भाई, गोवा का स्पेशल है, तो लेट्स ट्राई। हम आ गए एक और दुकान में, इसको बोलते हैं केरावेला कैफे एंड बिस्ट्रो। तो इस पे ट्राई करते हैं, हो सकता है कि इस पे मिल जाए। चलो, तो गाइस ये भी बंद हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड। सो फाइनली हमें मिल गया एक दुकान, ब्रॉडवे केक एंड बेकरीज, जहाँ पे तिरामिसू अवेलेबल है। भाई साहब तीन चार दुकान ढूंढने के बाद ये मिला है, तो चलिए ट्राई करते हैं तिरामिसू। आज तिरामिसू का एकदम भूत चढ़ गया था भाई। सो गाइस यहाँ पे एक चर्च है, तो मैंने सोचा कि चलो ये चर्च में थोड़ा प्रेयर करके जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन में है यार, वेरी नाइस प्लेस, और रास्ते के पूरे बीचों बीच में, दोनों साइड रास्ता, बीच में चर्च। ₹300 है, अभी मैंने पूछा था भैया को, तो उन्होंने बोला कि ₹300 पर डे का चार्जेस है, तो आप यहाँ से स्कूटी लेके घूमने जा सकते हो। सो ये है हेनरीज प्लेस, नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द नंबर, यहाँ पे कॉल करके आप रेंट लेके फिर निकल सकते हो। हे गाइस, फाइनली वी आर इन होम। तो आज पूरा दिन हम लोगों ने बहुत सारा कुछ कवर किया यार। अंजुना बीच गए थे, इसके बाद कैफ़े ढूंढते रहे, और लास्ट में एक चर्च में भी गया था, अभी थोड़ा प्रेयर भी करके आया। और दोपहर में आपने देखा होगा हमने जहाँ पे लंच किया था, इट वॉज़ एन ऑसम प्लेस। तो यार आज का दिन भी सही था, मतलब मानसून के दिन में आपके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी इफ़ यू आर ए नेचर लवर और अगर आपको पीस पसंद है तो इस टाइम में आप गोवा पे आ सकते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो यार बहुत भीड़ रहता है, तो उस टाइम में थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए होप सो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको एक ज़रूर लाइक बटन दबा देना आप, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे भी और सीरीज़ आके बहुत आएंगे। अभी भी यहाँ से आप कल का प्लान अभी तक हमने कुछ किया नहीं, जो भी प्लान करेंगे वो सब चीज़ें आपको चैनल में देखने को मिलेगा। और ऐसे जैसे दिल्ली टू गोवा था, वैसे भी और बहुत लंबे लंबे जर्नी हमें करने हैं आगे, तो ये सब आपको चैनल में दिख जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को देखिएगा ज़रूर जब आपके पास नोटिफिकेशन आए। एंड कुछ भी कमेंट्स, आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी द इंस्टाग्राम वेयर आई विल रिप्लाई यू इमीडिएटली, और नहीं तो आप यूट्यूब नीचे कॉमेंट डाल देना, वहाँ पर भी मैं आपको जब भी दिखेगा आई विल रिप्लाई यू। का प्लान अभी हम डिसाइड करेंगे कि कल यहाँ से निकलना है, टुवर्ड्स कोस्टल कर्नाटका जाना है, लेकिन अगर बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और दिन रह जाए, फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग दिल्ली के लिए निकल जाए। तो अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, वो आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक फ्रेश ब्लॉग में। टिल देन कीप बिलीविंग योर पैशन एंड कीप चेसिंग योर ड्रीम्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बा खैर एंड बाय बाय माई फ्रेंड्स। सो गाइज दिस इज गल्बीबाग रिवर, और यह कोस्टल कर्नाटका का रूट जो हम लोग सीधा लेके जाएगा गोकर्णा, और इसके बाद फिर आगे हम चलेंगे टुवर्ड्स मुरुदेश्वर टेम्पल।
और ये देखिए, दिस इज द सी गाइज। तो यही नज़ारा देखने के लिए तो इतना दूर से आ रहे हैं।